नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मयंक है और आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल बायो वाला पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बताया था, पीयूष ग्रंथ के बारे में बताया था और आज इस वीडियो में मैं आपको थायराइड ग्लैंड के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, थायराइड ग्लैंड का जो सबसे पहला पॉइंट है वो है लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ आर बॉडी। तो जो थायराइड ग्लैंड होती है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ आर बॉडी, थायराइड ग्लैंड हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आर बॉडी तो आप बताएंगे लीवर। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ लीवर है, यानी कि यकृत है, और हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथ थायराइड ग्लैंड है। तो दोस्तों इस पर ध्यान दीजिएगा, दोनों अलग अलग टाइप के सवाल हैं। लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ आर बॉडी और लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आर बॉडी। तो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आर बॉडी है लीवर और लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ आर बॉडी है थायराइड ग्लैंड। तो दोस्तों इसके बाद हम ये जानेंगे कि थायराइड ग्लैंड कहाँ पर होती है, कहाँ पर पाई जाती है, कहाँ पर इसकी लोकेशन होती है हमारे शरीर में। तो दोस्तों जो ट्रैकिया होती है, विंड पाइप होती है जिससे हम सांस लेते हैं, और एयर जो होती है, विंड जो होती है वो लंग्स तक जाती है। तो ट्रैकिया उसको बोलते हैं जो सांस को हमारे नॉस्ट्रिल्स से, यानी कि फेरिंग्स कह सकते हैं, जंक्शन मैंने आपको डाइजेशन वाले वीडियो में बताया था, फेरिंग्स से लेके एयर को लंग्स तक जाती है उसको ट्रैकिया बोलते हैं, विंड पाइप बोलते हैं। तो थायराइड ग्लैंड जो हमारी ट्रैकिया होती है उसके दोनों तरफ पाई जाती है। दो लोब्स होते हैं थायराइड ग्लैंड में, और हर लोब, एक लोब ट्रैकिया के एक साइड में और दूसरा लोब ट्रैकिया के एक साइड में लोकेटेड होता है। ये देखिए मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है, ये जो ब्लू कलर का है ये ट्रैकिया है, और ये थायराइड ग्लैंड का एक लोब है और ये थायराइड ग्लैंड का दूसरा लोब है, और ये दोनों लोब आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, और जिस पोर्शन से जुड़े हुए होते हैं ये उसको इस्थमस के नाम से जाना जाता है। जिसके द्वारा ये दोनों लोब आपस में जुड़े होते हैं उसको इस्थमस के नाम से जाना जाता है। ये देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कंपोज्ड ऑफ टू लोब्स विच आर लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ ट्रैकिया विंड पाइप। दो लोब होते हैं, दोनों लोब एक एक तरफ पाए जाते हैं ट्रैकिया के, और आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं इस्थमस के माध्यम से। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो थायराइड ग्लैंड से दो हार्मोन्स निकलते हैं। पहला हार्मोन है ट्राईआइडोथायरोनिन, इसको T3 के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा हार्मोन है टेट्राआइडोथायरोनिन, या इसको थायरॉक्सिन भी कहते हैं। थायरॉक्सिन हम लोग टेट्राआइडोथायरोनिन को कहते हैं, ना कि ट्राईआइडोथायरोनिन को, यानी कि T4 को, टेट्राआइडोथायरोनिन को T4 के नाम से भी जानते हैं। तो T4 को थायरॉक्सिन भी कहते हैं, T3 को केवल हम लोग ट्राईआइडोथायरोनिन के नाम से जानते हैं। तो ये दो हार्मोन्स निकलते हैं, और एक और हार्मोन निकलता है थायरोकैल्सिटोनिन थायराइड ग्लैंड से, इसके बारे में आपको इसी वीडियो में आगे बताऊँगा। और एक ग्लैंड और होती है पैराथायराइड ग्लैंड, जो कि इसी थायराइड ग्लैंड के पीछे की साइड पाई जाती है, यानी कि हम लोगों की ये आगे का जो पोर्शन है ये वेंट्रल साइड है और पीछे का डॉर्सल साइड है। तो वेंट्रल साइड में थायराइड ग्लैंड पाई जाएगी और डॉर्सल साइड में पैराथायराइड ग्लैंड पाई जाएगी, और पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा, आज मैं केवल थायराइड ग्लैंड की बात करूँगा। तो दोस्तों इसके बाद अगला जो पॉइंट है थायराइड ग्लैंड का वो है डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट रिजल्ट्स इन हाइपोथायरॉयडिज्म एंड इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। दोस्तों अगर आपके भोजन में आयोडीन की कमी है, आपकी डाइट में आयोडीन की कमी है, तो थायराइड ग्लैंड के काम करने के लिए, वर्क करने के लिए आयोडीन बहुत ही आवश्यक होता है। और अगर आपकी डाइट में आयोडीन की कमी है तो उससे आपकी थायराइड ग्लैंड है जो वो इनलार्ज हो जाएगी, उसका इनलार्जमेंट हो जाएगा। इस कंडीशन को हम लोग हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म में आपकी जो थायराइड ग्लैंड है वो इनलार्ज हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। और अगर कोई वोमेन है वो
प्रेग्नेंट है उस समय उसको थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम हो गई, हाइपोथायराइडिज्म हो गया, तो जो बेबी उसका है जो यूट्रस में, उसको मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, लो आईक्यू लेवल हो सकता है उसका, और बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो हाइपोथायराइडिज्म के बारे में आपको मैंने बताया। और हाइपोथायराइडिज्म में जो ज़्यादा उम्र की महिलाएं होती हैं, जो एडल्ट वुमेन्स होती हैं, उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो इरेगुलर हो जाती है दोस्तों। इसके बाद, और इसको कॉमनली कॉल्ड गोइटर, इसको हम लोग गोइटर के नाम से भी जानते हैं हाइपोथायराइडिज्म को। गोइटर को हिंदी में घेंघा भी कहते हैं। आप लोगों ने बहुत सुना होगा इसके बारे में, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं इस पॉइंट पर दोस्तों। इसके बाद जो अगला पॉइंट है थायराइड ग्लैंड का, वो है कि अगर मान लीजिए आपके थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो जाता है, या फिर नोड्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है थायराइड ग्लैंड में, यानी कि छोटी सी गांठ अगर बन जाती है आपकी थायराइड ग्लैंड में, तो इससे आपके थायराइड हार्मोन्स का लेवल एबनॉर्मली बढ़ जाएगा, और इस कंडीशन को हम लोग हाइपर थायराइडिज्म के नाम से जानते हैं। जहाँ पर थायराइड हार्मोन्स कम निकल रहे थे उसको हाइपोथायराइडिज्म के नाम से जान रहे थे, और यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा हार्मोन्स का लेवल थायराइड ग्लैंड के, इसको हाइपर थायराइडिज्म के नाम से जानेंगे। दोस्तों मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बता दूँ, बायोलॉजी में जहाँ पर भी हाइपो शब्द आ जाए उसका मतलब होता है कम, यानी कि डिक्रीज, और अगर हाइपर आ जाए यानी कि इंक्रीज, यानी कि ज़्यादा। तो यहाँ पर हाइपोथायराइडिज्म हो जा रहा था गोइटर की कंडीशन में, घेंघा की कंडीशन में, और अगर कैंसर हो जाता है या नोड्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है थायराइड ग्लैंड में, तो वहाँ पर हाइपर थायराइडिज्म की कंडीशन हो जाएगी। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है, ड्यू टू कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड द रेट ऑफ सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स इज इंक्रीज्ड टू एबनॉर्मल हाई लेवल्स लीडिंग टू ए कंडीशन कॉल्ड हाइपर थायराइडिज्म। तो अगर हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है कैंसर की वजह से या नोड्यूल की फॉर्मेशन की वजह से, तो उस कंडीशन को हम लोग हाइपर थायराइडिज्म के नाम से जानते हैं। अब अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं थायराइड ग्लैंड के। तो थायराइड हार्मोन्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है हमारे शरीर का, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं T3 T4, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट में, एंड आल्सो सपोर्ट्स द प्रोसेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। तो जो हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनके फॉर्मेशन में भी मदद करते हैं थायराइड हार्मोन्स, यानी कि T3 और T4 हार्मोन्स हमारे शरीर में रेड ब्लड फॉर्मेशन के प्रोसेस में भी हेल्प करते हैं, और कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड फैट्स एंड आल्सो इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जो हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का, फैट्स का और इलेक्ट्रोलाइट्स का, उनमें भी ये हार्मोन्स मदद करते हैं। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो इनके उपापचय में यानी कि मेटाबॉलिज्म में भी ये थायराइड हार्मोन्स हेल्प करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि एक और हार्मोन निकलता है थायराइड ग्लैंड से, जिसको हम लोग थायरोकैल्सिटोनिन के नाम से भी जानते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है थायरोकैल्सिटोनिन, इसको शॉर्ट फॉर्म में TCT के नाम से भी जानते हैं। तो ये थायरोकैल्सिटोनिन जो होता है ये थायराइड ग्लैंड से निकलता है, और ये हमारे ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम कर देता है, कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को। ध्यान दीजिएगा, हमारे ब्लड में थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को कम कर देता है और प्रमोट करता है बोन फॉर्मेशन को, यानी कि बोन के फॉर्मेशन को, हड्डी के निर्माण में भी मदद करता है थायरोकैल्सिटोनिन। ये ब्लड में, हमारे ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को कम कर देता है और बोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो दोस्तों आज मैंने आपको थायराइड ग्लैंड कहाँ पर होती है, किस जगह पाई जाती है हमारे शरीर में, और इसके क्या क्या कार्य होते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स इससे निकलते हैं, इसके बारे में बताया। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन को ज़रूर दबाइएगा, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी दोस्त या भाई की मदद कर सकता है
तो उनके साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। और अगर आप किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियोज़ लाता रहता हूँ। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।